आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM अपने जलसे कर रही है। और ऐसे में बूरेवाला में मरियम नवाज़ ने आज जलसे से खिताब किया और आज उन्होंने ये कह दिया कि कल अपने इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। इंतकाम लेकर चलता बना, कोई आया गाली गलौज करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना, बड़े लोग आए जनूबी पंजाब के नाम पे आकर बेवकूफ बनाकर चले गए। हमारा मंशूर कल लॉन्च हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी काफ़ी तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। मुल्तान में उन्होंने जलसे से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया, पूरे मुआशरे को तकसीम कर दिया। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। ये जो पुराने पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है, एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। तो बिलावल ये कह रहे हैं कि पुरानी तर्ज़ सियासत ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिए, वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, पुराने सियासतदानों को ताने भी दे चुके हैं। उनकी इस बात में कितनी हम कह सकते हैं सदाकत है, इससे हमारे पैनलिस्ट क्या उनकी राय है, वो इससे मुतज़ाद राय रखते हैं या इससे इत्तेफाक करते हैं। एहतशामुल हक साहब की जानिब बढ़ूंगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के इस बयान को, वाकई पुरानी सियासत को अब ख़त्म होना चाहिए? देखिए, जिस अंदाज से कैंपेन चल रही है, जिस अंदाज से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि PDM प्लस गवर्नमेंट बनेगी। ये इस वक्त मजीद दबाव बढ़ा रहे हैं, उनको लग रहा है कि पंजाब में सिवाय इसके कि PMLN को सख्त रवैया ना दिखाया जाए तो सब कुछ नहीं मिलेगा। PTI के वोटर को गेन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ये कह के कि आपके लोगों को बहनों बेटियों के जेलों में बंद किया। मेरा ख्याल है ये सियासी आमदा स्तन से ज्यादा की बात नहीं है। ये वही अपने आप देख लें, बिलावल साहब हैं जो आप कहा करते थे, शबाजी साहब जो है ना वो PMLN के नहीं, पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा अहम प्राइम मिनिस्टर है और हम उनके साथ काम करेंगे। अभी आप देख लें, बजाय कोई प्रोवोकेशन नहीं है, इतने खिलाफ क्यों हो गए? ये है कि ये चैलेंज किया PMLN को उनके होम ग्राउंड में जाके, बैटल फ्रंट है पंजाब। अभी आप देखिए, होना तो चाहिए था कि PMLN में जाके देख लेंगे। कंपेन उन्होंने बिलावल ने बहुत सारी शुरू की, बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि निश्चर ज्यादा चुभोए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चूज किया जा रहा है। कभी बूढ़े होने का ताताना दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि तीन दफा आपने क्या कमाल किया कि चौथी दफा आपको लाया गया नवाजी साहब को कहते हुए। तो मेरा ख्याल है ये सारी सियासी जिसको कहते हैं स्टंट है, मैं नहीं समझता इसमें हकीकत है। क्योंकि अगर आप जरा सारा नक्शा देखें कि अब इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, तो बड़ा वाजे तौर पर लग गया है कि इस दफा IPP शामिल होगी, बाकी सियासी समातें भी शामिल होगी। तो एक नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं होगी, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और दरियाई साहब लगा के बैठे हैं जिस तरीके से, कभी वो भी दोबारा प्रेजिडेंसी में चले जाएंगे, तो हैरान होगी नजर आएगी, आपको लगेगा की उनके दरमियान की झगड़ा ही नहीं है। उसामा, आपकी राय क्या है इस पर? बिलावल की स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक रिएक्शन है नून लीग के खिलाफ, तो उसको वो कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए उनकी सारी स्टेटमेंट्स कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उनके कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, दहशत फैलाई गई है नून लीग की तरफ से, दहशत ज़दा कर दिया उन्होंने, ये जब मैं आऊंगा तो इस तरह औरतों को की तजलील नहीं होगी, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं होगा, हम लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। आप देखिए वो बिल्कुल इस तरह से नजर आ रहा है कि जो एक रिएक्शन आया है नून लीग के खिलाफ कि ये जो सारा कुछ माहौल बना है खौफ की फजा, जबर और जुल्म की, तो इसलिए वो इनको एड्रेस करके और बाकायदा कह रहे हैं, ये उनके जुमले हैं, कि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि शेर का शिकार तीर से किया जा सकता है, तरीके इंसाफ के लोगों को भी समझ आ गई है, तो वो अपना यहाँ पर वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने पंजाब में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि नून लीग के खिलाफ जाकर और फिर जो वोटर तरीके इंसाफ का उसको अपनी तरफ ला सकें। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि 16 महीने जब आप बैठे रहे और एक तसलसल नजर आ रहा है और फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने बिल्ड किया और जब ये महसूस किया कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, जाहिर है उनके भी वो भी सर्वेस करवाते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, समझते भी हैं, यहाँ के लोग उनको बताते हैं कि बड़ी रिजेंटमेंट आ चुकी है लोगों में इस वक्त पंजाब में, तो उसको कैश करवाने के लिए बिलावल साहब की स्ट्रेटजी है। लेकिन 16 महीने आप साथ रहे,
आप उसी काबीना का हिस्सा रहे, वही राणा सनाउल्लाह जिस पर आज इल्जाम लगा रहे हैं वो वजीर दाखिला थे, तो आप वजीर खारजा थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब ये वाला चूरन जो है ये अब बिक सकेगा। अच्छा, उसके तो शहबाज शरीफ साहब का भी वो रिएक्शन आ गया ना कि सीक्रेट जेल्स सिंध में जो हैं वो भी बंद की जाएं। शहजादा जुल्फिकार साहब, ये जो पुरानी तर्ज सियासत है बिलावल जिस तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, इसकी वजह से तकसीम है मुआशरे में? देखिए, तकसीम तो माशरे में पॉलिटिकल कभी अगर 30 साल पहले आप देखें कि पीपल्स पार्टी पहले दिन हल्फ लेती बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उस वक्त नून लीग की उस वक्त तो नून लीग नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पहले दिन से तय कर ली थी कि इस हुकूमत को किस तरह हटाना है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब आते तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आते कि किस दिन पहले तकरीर में कि जी हमने किस तरह इसको हटाना है। वो पोलराइजेशन ख़त्म हुआ, थोड़ी सी बेहतर उनको पोजीशन कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, असल में हमें लड़ाया जाता है, थोड़ी सी बेहतर है। अब मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं उसामा से, ये एक शायद उनके पास कोई दूसरा, उनको पता है कि पंजाब में कोई और बात जो है वो शायद लोगों को अट्रैक्ट ना करे, वोटर्स को, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अब आप तमाम उस अमल में शामिल थे कि जो पीटीआई के साथ हुआ, पीटीआई के लोगों के साथ हुआ, 9 मई का भी आपने जो है बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम किया, आज आप कहते हैं कि वो वोट मुझे दे दें, उसके कारकुन हम वो करेंगे। और फिर डराना बहुत माने खेज हैं, उसका बयान 3-4 दिन पहले जो बिलावल ने किया कि ये अगर आपने नवाज शरीफ को इलेक्ट किया तो आप नहीं जानते हैं कि वो किस तरह बदला लेगा, वो किसी और को नहीं कह रहा था, वो गालिबन मेरे एतबार से वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि आप कभी इसको आप नाम करें कि आपके साथ जो करेगा वो करेगा। तो एक खुशनवीदी भी है, खुशनवीदी भी है कि आप जो है हमारी तरफ तवज्जो दें। तो डॉक्टर फिजा, आप किस तरह से देख रही हैं ये वाकई सियासी स्टंट है जैसे हमारे दीगर पैनलिस्ट? मैं तो इसको ऐसे देख रही हूँ कि आप जरा थोड़ा ज्यादा, मैं आपको पीछे नहीं लेकर जाऊंगी, थोड़ा सा जरा पीछे जाएं, आप तमाम लोग जरा रिकॉल करें, बिलावल साहब ने एक बयान दिया था 70 साल बाबों के हवाले से, जिस पर फिर सुना था कि जरदारी साहब थोड़े नाराज भी हुए थे। जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि जी बिलावल अभी अनट्रेंड हैं, अभी उनका तजर्बा नहीं है। फिर जारी बात है मुखालिफिन इस जुमले को पकड़ा और ये जुमला आइंदा तक इस्तेमाल होता रहेगा कि बिलावल के वालिद ने खुद अदम एतमाद का इजहार किया कि बिलावल अनट्रेंड है। उस पर बिलावल खैर अपने वालिद से नाराज भी हुए लेकिन वालिद बेटे का रिश्ता उन्होंने मना लिया। फिर आपको याद होगा कि बहुत से लोग इनकी पार्टी के आकर इस बयान को वजाहत इस तरह करते थे कि बाप के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा होता है, ना तजर्बाकार होता है, तो एज अ फादर उन्होंने कह दिया, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चे नहीं है, इन्होंने बड़े होकर इनको अनट्रेंड कहा गया, बड़े हो चुके हैं, बल्कि वजीर खारजा रह चुके हैं, वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहते हैं। मुझे लगता है मॉडिफाइड वर्जन है उसी बयान का, 70 साल बाबों पर तनकीद हुई थी, अब ये बेसिकली अब ये पुराना तर्ज सियासत इन्होंने उस पर तनकीद करनी शुरू कर दी। तो पुराने बिल्कुल लोगों ये हमारे सामने मौजूद है, पुराने लोगों से भी मुखातिब में बिलावल साहब, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल ठीक है आपका ये सवाल, पार्टी के पुराने लोगों से भी मुखातिब में बिलावल साहब, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।